वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। हम लोग अगर एक हुए, दलित और मुस्लिम इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग राज कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ये नारे सुने आपने, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर का राज चलेगा। ये नारे AIMIM के मंच से लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की है, जहां AIMIM जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। और AIMIM की तरफ से नुक्कड़ सम्मेलन में मौजूद जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने कहा कि मजा नहीं आ रहा है, जरा जोर से नारे लगाओ, क्योंकि नारों की आवाज नहीं आ रही। जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने विवादित नारे लगाते हुए सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि जब देश में दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो देश में एक बार फिर बाबर जैसा राज चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। अब ये नारे कम, इन नेताओं के मंसूबे ज्यादा नजर आते हैं। याद हो कि हाल ही में ओवैसी ने कहा था कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। एक तरफ ओवीसी का यह बयान, दूसरी तरफ AIMIM नेताओं की ये बात, ये किस तरफ इशारा कर रही है। जिस मुस्लिम अक्रांता के राज की बात की जा रही है, उसका इतिहास हिंदुओं के खून से लाल है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हो गए थे। बाबर कट्टर और बेहद क्रूर था। उसने अपने पहले आक्रमण में ही बाजौर के सीधे साधे 3,000 से भी अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। और AIMIM के नेता ये कह रहे हैं कि बाबर का राज लाना है। सवाल ये कि क्यों, आगे सुनिए AIMIM के नेता ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद को लेकर क्या कुछ कहा। हिंदुत्व का चोला पहने आतंकवादी उस धर्म संसद में एक समुदाय को काटने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस्लाम में न खुद मरने की इजाजत है, न किसी को मारने की इजाजत है। ना खुद मरने की इजाजत है, ना किसी को मारने की इजाजत है, लेकिन जालिम जब जुलम हद पार कर जाए तो उसे समझ गए, उसे कहां तक इजाजत दी है कि अपने बीच में हटाने की इजाजत है। इन बयानों को सुनकर लगता है कि गुफरान नूर के हिसाब से हिंदुत्व की बात करने वाले आतंकी हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मौजूद हिंदुत्व का चोला पहने कुछ आतंकवादियों के द्वारा मुसलमानों को धर्म संसद में काटने की बात की गई थी। कमाल है कि गुफरान नूर को धर्म संसद की बातें तो चुप गई, हाँ प्रदेश में फैले लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद और आतंकी बन रहे युवाओं पर कुछ नहीं बोल पाए। उन मौलवियों पर सवाल नहीं उठाए गए जो तरह तरह के फतवे जारी कर देते हैं। हाँ, मंच से ये नारे जरूर लगवा दिए, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा। गुफरान नूर उस आक्रांता का राज लाने की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुओं पर अत्याचार की सीमा लांघ दी थी। तो क्या ये गजवाए हिंद की तैयारी है, क्या देश में इस्लामिक राज लाने की तैयारी है? सवाल बेहद गंभीर है। इस रिपोर्ट बस नहीं, देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।